मथुरा जिले के अलग अलग गांव में अभी डेंगू के मरीज निकल रहे हैं। मथुरा की सीएमओ के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है। गांव-गांव आशा कार्यकर्तियों द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। मथुरा जिले में डेंगू जानलेवा बीमारी बना हुआ है। रोजाना अलग अलग गांव, कस्बे और शहर में डेंगू के मरीज निकल कर सामने आ रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी तरह से सतर्कता बरते जाने की बात कही जा रही है। मथुरा की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रचना गुप्ता ने G9 न्यूज को जानकारी देते हुए बताया कि उनके विभाग की टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं और जहां डेंगू का मरीज पाया जाता है वहां पूरी तरह से साफ सफाई, दवा आदि का छिड़काव किया जा रहा है। डेंगू से होने वाली मौतों के बारे में उन्होंने कहा कि जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही आंकड़े स्पष्ट होंगे। हमारे जनपद में इस समय डेंगू रोग के मरीज मिल रहे हैं और लेकिन इस समय स्थिति नियंत्रण में है। अलग अलग गांव से कुछ केसेस मिले हैं और जैसे ही हमें इस चीज़ की सूचना मिलती है हम तुरंत गांव में अपनी मच्छर रोधी टीम को पूरा तैयारी से लार्विसाइडल स्प्रे, फॉगिंग और घर घर सर्वे के हिसाब से हम तुरंत टीम को रवाना कर देते हैं, जो गांव में हेल्थ कैंप लगाती है टीम और मच्छर रोधी कार्रवाई करती है। इसके अलावा प्रत्येक गांव में प्रत्येक आशा द्वारा इस समय गहन सर्वे किया जा रहा है। इसमें हर तरह के बुखार के रोगी, चाहे वो टीबी के हों, कोविड के हों या डेंगू मलेरिया से हों, हर तरह के रोगी की को चिन्हित किया जा रहा है और उनको उपचार हेतु रेफर किया जा रहा है और बराबर मौके पर ही दवाई भी बांटी जाती है। इसके अलावा जहाँ भी हमें सूचना मिलती है हम वहीं गांव में ही एक अतिरिक्त हेल्थ कैंप लगाकर मरीजों से खून की जांच के लिए सैंपल लेके हम तुरंत जांच करवा रहे हैं और दवाइयां प्रदान की जा रही हैं। हमें कल ही बच्चों की मौत की सूचना मिली थी। अब हम ऑडिट कमेटी, जो डेथ ऑडिट कमेटी है, इसकी मीटिंग करके इसकी पूरे प्रभावित लोगों की पूरी जानकारी व उनकी जो भी जांच हुई है वो सब लेकर इसका ऑडिट करेंगे। दो मरीजों की मृत्यु हुई थी, इसमें आरके मिशन की सूचना थी कि आरके मिशन हॉस्पिटल से वहाँ भर्ती थे वो मरीज, और एक मरीज जो कि गोवर्धन के अडी गांव में था उसकी सूचना मिली है कि वो झोला छाप के यहाँ भर्ती थी वो महिला, तो मौके पर ही हमने उसके घर जाकर पूरी उसकी रिपोर्ट ली, उसके बारे में जाना और जिस झोला छाप के यहाँ वो भर्ती थी जहाँ उसकी मृत्यु हुई उसके क्लिनिक पर जाकर हमने कार्रवाई की और उसकी क्लिनिक को सील किया।